हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। मेरा आज का वीडियो है गिनी पिग के ऊपर कि जो आप अगर आप अपने घर में गिनी पिग लेके आए तो उनको कैसे रखें, मतलब जो फर्स्ट टाइम ओनर है वो गिनी पिग कैसे रखें। तो गिनी पिग जैसे आपने देखा होगा इंटरनेट पर गिनी पिग के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब बहुत बहुत थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। मतलब हिंदी में अगर बात की जाए तो इंग्लिश में कई सारे वीडियो हैं, तो जो बहुत तो इंडियन वीडियो मतलब कम है। तो मेरा आज का वीडियो इसी पे है कि जो फर्स्ट टाइम ओनर है वो गिनी पिग लेके आए तो कैसे रखें, क्या उनमें प्रॉब्लम होती है, कैसे क्या होता है। तो ये हमारे पास दो, तो जो फर्स्ट टाइम ओनर है गिनी पिग कैसे रखें तो देख सकते हैं। मेरे पास जो ग्रास रखी हुई है, ये ककम्बर है, खीरा बोलते हैं, और टमाटर है। तो जो गिनी पिग होते हैं बहुत सोशल एनिमल, मतलब इनको आपको टाइम देना पड़ेगा तभी ये टेम हो पाएंगे, वैसे ये टेम नहीं हो पाएंगे। जो आप मैंने टमाटर दिया है, तो टमाटर जो होता है तो इससे विटामिन सी गिनी पिग को मिलती है। अगर आप गिनी पिग को अगर रखते हैं अपने घर में तो उनको आप 80% जो ग्रास होती है, चाहे वो सूखी ग्रास हो जिसको हे बोलते हैं, ये तो मैंने खुद बनाई है सूखी करके इसको, और मार्केट में भी आती है उसको हे बोलते हैं वो हो, या फिर ग्रीन ग्रास हो, देना होता है। तो गिनी पिग आपने देखा होगा बहुत सारे गिनी पिग जो होते हैं पैरालाइज हो जाते हैं, कि मतलब उनका उनकी गर्दन एक तरफ मुड़ जाती है, गर्दन टेढ़ी हो जाती है, पैर कोई काम नहीं करता है, तो वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है गिनी पिग्स में। तो उसके लिए आपको हफ्ते में एक बार टमाटर देना है। जो ककम्बर है इसको आप मतलब आपको 80% ग्रास या हे देना है, 20% में आपको पैलेट देना है, और जो मतलब खीरा या ककड़ी भी बहुत अच्छी होती है वो देना है। तो पहली बार जब आप गिनी पिग लेके आएँ तो आपको मतलब आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप उनको टाइम दे पाएंगे। उनकी जो गंदगी है, क्योंकि गिनी पिग मतलब वो गिनी पिग हैं, थोड़ी बहुत गंदगी तो बिल्कुल करेंगे, वो आप साफ़ कर पाएँ अच्छी तरीके से तभी आप गिनी पिग लेके आएँ। अगर आपके अंदर मतलब आप साफ़ नहीं कर सकते, उनको टाइम नहीं दे सकते, या आप जो 7 से 8 साल जीते हैं अच्छे से रखेंगे तो 10 साल तक भिजेंगे, तो अगर आप उतने साल तक उनकी केयर नहीं कर पाएंगे, आप उनको शेल्टर हाउस में किसी को दे देंगे, तो आप गिनी पिग बिल्कुल बाई ना करें, बाई या कहीं से अडाप्ट ना करें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तभी आप गिनी पिग खरीदें या फिर अडाप्ट करें कहीं से। प्रायोरिटी ही होनी चाहिए कि आप कहीं से अडाप्ट करें, अगर ना मिले तो फिर आप बाई करिए। तो आप ये ग्रास है ये देख सकते हैं, ग्रास बहुत सारी होती हैं, जो ग्रीन ग्रास अगर मिल आपको मिल जाए, शहरों में वो हैं तो ग्रीन ग्रास मिलना पॉसिबल नहीं है, गांव में है तो आप ग्रीन ग्रास और जो ग्रीन ग्रास को आप सूखी करके हे बना सकते हैं, सब उपलब्ध होता है। शहरों में नहीं होता है तो ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, पैलेट मिल जाएंगे, तो कई सारी कंपनियों के पैलेट आते हैं, पैलेट में भी लोग पूछते हैं कौन सा पैलेट सही होगा कौन सा नहीं, तो जो आपका गिनी पिग अच्छे से खाए वो आपका वही पैलेट आप दीजिए। तो आपको सर्दियाँ आ गई हैं तो आपको 20% में वेजिटेबल, मतलब जो खीरा हुआ और टमाटर हुआ, ककड़ी हुई, जो भी आप देते हैं वो दीजिए, और 80% में आपको ग्रास देनी है। पानी है, आप पानी का जो बाउल हो वो ऐसा बाउल हो कि जो ऐसे आप जो डाग होते हैं उनका बाउल होता है कि वो पलटता नहीं है, उस टाइप का बाउल हो, ताकि जब गिनी पिग उसको पकड़ें तो वो गिरे ना, ऐसा बाउल होना चाहिए। तो वही पानी के लिए देख रहे हैं, वो ग्रास खा रहे हैं, टोमेटो खा रहे हैं, सब आराम से खा रहे हैं, वो ग्रीन ग्रास अगर खा रहे हैं तो ग्रास जो अगर आपको पास फ्रेश ग्रास हो तो आप उसको धुल के तभी खिलाइए। तो यही सब बस, और अगर जो पैलेट हैं, पैलेट भी आप उनको थोड़ा मतलब 20% में ही दीजिए, 5 से 7% तक आप उसको पैलेट दीजिए, और ये वेजिटेबल दीजिए, और 80% आपको ग्रास ही देनी है। पानी की बोतल अगर जो आती है, बॉटल आती है, वो लगा सकते हैं तो दीजिए, वो भी अच्छी होती है, लेकिन कुछ गिनी पिग को उसकी आदत नहीं होती, तो आप उनके लिए बाउल रखिए, बाउल सही होता है गिनी पिग के लिए, ताकि जो बॉटल होता है, अगर आपके पास बच्चे से हैं मतलब वो उनकी आदत है तो पी पाएंगे, अगर बड़े गिनी पिग आप लेके आए हैं तो उनकी आदत नहीं है तो वो नहीं पी पाएंगे, तो आपको बाउल रखना पड़ेगा। अगर आप बोतल भी लगाते हैं तो आप दोनों रखिए बाउल बोतल। गर्मियां हैं तो आपको पानी बदलना पड़ेगा, फ्रेश पानी होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं गिनी पिग पानी नहीं पीते हैं, तो अगर उनके लिए बता दें कि जो लोग खाली खीरा या ककड़ी यही सब खिलाते हैं जिनमें पानी बहुत होता है, तो गिनी पिग या जो पत्ता गोभी आती है उसको खिलाते हैं तो गिनी पिग पानी नहीं पीते हैं। लेकिन अगर आप ग्रास खिलाते हैं, सूखी ग्रास खिलाते हैं, हे जो देते हैं,
तो गिनी पिग आपके पानी पियेंगे जरूर, और हे आपको देनी बहुत ज़रूरी है, में फाइबर होता है, आपको गिनी पिग को देनी चाहिए। लेकिन और रोटी जो होती है, रोटी रोटी होता है, फास्ट फूड होता है, नूडल होता है, ये सब गिनी पिग के लिए नहीं है, बिल्कुल भी ना दें आप। रोटी चावल कुछ भी बहुत सारे लोग देते हैं, ये सब हम लोगों का मतलब ह्यूमंस का फूड है। जैसे आप पेडिग्री या पैलेट नहीं खा सकते, उसी उसी प्रकार से आप इनको रोटी सब्जी दाल चावल ये सब नहीं खिला सकते। तो मेरा आज का वीडियो यही है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, नीचे मेरी इंस्टाग्राम आईडी है तो आप उस पर जाके डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।